ट्रैक पे ही हम लोग घुसते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिव प्रकाश और आपको स्वागत करते हैं अपने इस नए वीडियो में। अभी हम सुदामडी में हैं और सुदामडी से आद्रा जाएंगे, आद्रा से रघुनाथपुर, वहाँ कुछ काम है, टिकट कटा लिए हैं और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे हम जा रहे हैं। धन्यवाद आ चुके हैं बलिया पटना के टूर के बाद। तो वीडियो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं, ट्रेन हमारी आ रही है। यहाँ से ये ट्रेन जाएगी आद्रा, आ गए हैं आद्रा जंक्शन और ये पीछे देख सकते हैं ट्रेन, इसी ट्रेन से आए, लोकल ट्रेन है और यहाँ से अभी हम जाएंगे रघुनाथपुर और फिर रघुनाथपुर में बताते हैं फिर क्या काम है। अभी तो स्टेशन के अंदर है, प्लेटफॉर्म के अंदर, तो बाहर निकलते हैं। स्टेशन से बाहर निकल गए हैं और ये स्टेशन का बैक साइड का एरिया है। अभी हमको इधर से ही काम था, इधर से ऑटो लेंगे और जाएंगे रघुनाथपुर। रिटर्निंग में जब हम आएंगे स्टेशन घर जाने के लिए तो फिर आपको फ्रंट साइड का भी हम आपको दिखाएंगे। फ्रंट साइड से काफी सुंदर दिख रहा है, पीछे साइड का पीछे एरिया है, बहुत सारी दुकानें हैं, टोटो ऑटो अलग अलग जगह जाने के लिए मिल जाता है। रघुनाथपुर मेन रोड पे उतर है ऑटो से और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना है। 15 मिनट्स लेटर। स्टेशन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, अब हम जाएंगे स्टेशन के फ्रंट साइड यानी 1 नंबर की तरफ और आपको दिखाएंगे फ्रंट साइड से स्टेशन कैसा दिखता है। तो अब हम आ गए हैं आद्रा जंक्शन के फ्रंट साइड में और इधर में स्टेशन आगे से काफी अच्छा दिखता है। हम आ गए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, यहाँ से हमको ट्रेन मिलेगी आद्रा टू भोजोडी के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर हम सुदामडी तक जाते हैं तो उसके लिए फिर हमको वेट करना पड़ता 6:30 बजे तक का, 6:18 पे लोकल मेमो पैसेंजर थी। तो हम टिकट बुक कर लिए ऑनलाइन जो कि आद्रा से भोजोडी तक जाएगी, भोजोडी से सुदामडी तक पैदल जाना होगा बाई पटरी, उसके बाद फिर 20 से 25 मिनट अपने घर तक। तो चलो कोई बात नहीं है, लगभग हम 2 बजे तक अपने घर पहुंच जाएंगे। अगर वैसे जाते तो 7:30 बजे तक हम सुदामडी पहुंचते और उसके बाद फिर घर जाने में लगभग 8 बज जाता है। 2 स्टेशन पैदल ही चलना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। यहाँ मेरा मन था केक खाने का, स्टॉल देख सकते हैं सब स्टॉल बंद दिख रहा होगा आपको, इधर में तो सारा स्टॉल बंद है। वेंडर लोग जो होते हैं वो ठेला पे लेके केक बेचते थे जो कि काफ़ी टेस्टी होता था, मशहूर है एक तरह से बोले तो आगरा में केक काफ़ी मशहूर है। तो अभी फिलहाल हमको मिला नहीं, सोचे थे खाएंगे भी और घर भी लेके जाएंगे। May have your attention please. Train number 02535 Shalimar Bhojodi Arangam Superfast Express will arrive shortly on platform 1. सारा स्टॉल बंद था, अभी अचानक से ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ और भैया जी दुकान खोल रहे थे, तो केक का लेने का और केक खाने का पूरा हो रहा है, होने वाला है। केक
केक ले लिए हैं। केक को ट्राई किया जाए, देखते हैं कि केक कैसा है खाने में। वाकई में आगरा का केक जो है काफ़ी फेमस है और टेस्ट में तो लाजवाब है। और भैया से हम रिक्वेस्ट करते हैं, भैया ताज़ा केक दीजिएगा, बिल्कुल ही ताज़ा है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ सोचा टेस्ट कर लेते हैं और अच्छा लग रहा है। चलो खा के केक फिनिश करते हैं। ट्रेन हमारी हॉर्न दे रही है, ट्रेन आने ही वाली है। हमारी ट्रेन अभी जस्ट आ गई, हम केक ही ट्राई कर रहे थे तो ट्रेन एम कर गई प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। हमारा जो कोच है वो DL1 में है, बर्थ नंबर 1, तो सबसे आगे में है उधर साइड। तो चलो जल्दी से चलते अपने बर्थ पे, और ज़्यादा दूर का डिस्टेंस नहीं है, लगभग 30 मिनट्स के अंदर कवर हो जाएगा और हम भोजडी उतर जाएंगे और फिर भोजडी से पैदल यात्रा दिखाएंगे। अभी आप ट्रेन में मजा लीजिए। मौसम का मजा लेते हुए घर जा रहे हैं। संताली स्टेशन क्रॉस कर चुके हैं, अब आएगा भोजोटी, और भोजोटी के बाद सुदामडी तक ये ट्रेन नहीं जाएगा। भोजोटी से दूसरे लाइन में ये कट जाती है, तो भोजोटी से सुदामडी तक पैदल जाना होगा। भोजोटी स्टेशन पर ट्रेन रुक चुकी है, अब चलिए उतरते हैं स्टेशन। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन उतर उठ चुकी है, यहाँ से हमको पैदल ही सफर तय करना होगा। ये ट्रेन यहीं तक की है, यानी आगरा से भोजोटी तक, और तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ से सुदामडी बाई ट्रैक पैदल चलना होगा, और उसके बाद फिर सुदामडी से 20 से 25 मिनट लगे मेरे घर जाने में। थोड़ा रोमांचक होने वाला ये सफ़र, क्योंकि अब जो है बाई पटरी चल के जाने वाले सुदामडी तक, और वहाँ से जो हम सफ़र करेंगे भोजोटी से सुदामडी के बीच में दामोदर नदी आता है जो कि ब्रिज है, ब्रिज को पैदल पार करना होगा। तो पूरा ब्रिज देखिएगा, पानी काफी बढ़ चुका है दामोदर में। तो भोजोटी से सुदामडी तक पटरी के द्वारा जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, और आपको सीन दिखाएंगे, बहुत अच्छा दामोदर नदी का पानी भी बढ़ा हुआ है और ब्रिज है, देख सकते हैं ये वाला ब्रिज, पैदल क्रॉस करके जाना। रास्ते में चलते हुए भैया मिले हैं एक तो। भैया नाम आपका? सब नाम मेरा जय प्रकाश राय, महुदा से। महुदा से रेलवे स्टाफ। अच्छा, रेलवे स्टाफ है भैया, तो देख सकते हैं क्या कैसा लग रहा है। आप तो रोज आते जाते होंगे ना इधर? नहीं, कभी 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 कभी। अच्छा, मेरा तो फर्स्ट टाइम है ये ब्रिज पे, और आपको दिखाते हैं क्या मस्त सीन है। पानी भी बढ़ गया है ना इधर, बारिश हुआ तो। तो काफी रोमांचक है इस पे चलना, दोनों साइड देख सकते हैं पानी पानी, बीच में यहाँ पे चलने के लिए बनाया गया है, ये दिया हुआ है। तो चल रहे हैं, देखिए कैसा सीन है, बहुत मस्त। गाइस इसी पटरी पे चल रहे थे हम लोग, ट्रेन आ रही है सामने से, जल्दी से निकलना होगा क्योंकि ट्रैक पे ही हम लोग देख सकते हैं, साइड साइड में से बना हुआ है रुकने के लिए, लेकिन जल्दी से देखते हैं हम लोग क्रॉस अगर कर जाए तो बढ़िया, नहीं तो साइड में देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है ना ये वाला, यहाँ पे रुकना पड़ेगा। ऐसे हम लोग पार कर ही चुके हैं, जल्दी से पार करते हैं। ओहो पार कर गए गाइस, देख सकते हो अभी इधर ट्रेन आ रही है और अभी हम लोग इधर से आ रहे थे, जल्दी से पार कर गए क्या भैया? हाँ बोले बोले। देख सकते हैं, और ट्रेन देखिए इधर से, ये देखिए ट्रेन आ रही थी, तो चलिए पार करके फाइनली ब्रिज। हम बोले थे रोमांचक होने वाला है सफर, क्योंकि बीच में जो है दामोदर नदी है, और पहली बार ऐसा हुआ है, जल्दी जल्दी दौड़ के भागना पड़ा, अच्छा लगा।
अभी सुदामड़ी रेलवे स्टेशन के साइड से उतर चुके हैं। यहाँ से पैदल पैदल जाएंगे घर।